दोस्तों आपका स्वागत है डार्क मिस्ट्री में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जाने वाले हैं ये वाकया, हमल गिरा ने वालों के लिए अजाब। हुजूर ने फरमाया कि जो हमल दुनिया में गिरा दिए गए हैं वो कयामत में बच्चों की शक्ल में आएंगे और उनकी आवाज़ बिजली के कड़ाकों जैसी होगी। वो फरियाद करेंगे कि हम मजलूम हैं। फिर वो अपनी माँ को लेकर हाजिर होंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ से पूछता हूँ उसने मुझे क्यों मार दिया था। फिर अल्लाह का हुक्म होगा, हमने जान को कत्ल करना हराम ठहराया है, फिर तूने ऐसा क्यों किया। ओ फरिश्तों, इस औरत को जहन्नम के दरोगा के हवाले कर दो ताकि वो इसे एहजान के कुर्वे में कैद कर ले। फिर उसको घसीट कर ले जाया जाएगा और उस भयानक कुर्वे में डाल दिया जाएगा। एहजान का कुआं, ये कुआं बहुत गहरा है और आग से भरा हुआ है। जब जहन्नम ठंडी होने लगती है तो इस कुएं का मुंह खोल दिया जाता है और फिर से जहन्नम तपने लगती है। अल्लाह की पनाह, इसमें सांप और बिच्छू हैं और अजाब के फिश्ते जिनके हाथ में हथियार होंगे जिससे वो इन मुजरिमों को सजा देते रहेंगे। 50,000 सालों तक उन लोगों को इस कुएं में रखकर अजाब दिया जाएगा। गुलदस्ते शरीयत दोस्तों, इस बड़े गुनाह से बचो। अल्लाह हम सबको पढ़ने लिखने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें, उसके लिए आपका शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको दीन-ए-इस्लाम की जरूरी जानकारी मिलती रहेगी। देखते रहें डार्क मिस्ट्री।